गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ रामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 7th चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 वाइज से आगे करेंगे, तो आप इस एक्सरसाइज की पिक ले सकते हो। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे पिक ले करके इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड आर इफ़ 6 PR इज इक्वल टू 4। फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, क्या है फर्स्ट पार्ट? फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 4 × 6 PR इज इक्वल टू 6 PR + 1 के इक्वल है। तो हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो 4 × 6 PR मीन्स 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 − R का फैक्टोरियल, और 6 PR + 1 मीन्स 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 − R + 1 करेंगे, तो R + 1 को माइनस करेंगे जब, तो ये इसका फैक्टोरियल करना हमने। अब देखिए स्टूडेंट, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 4 upon 6 − R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 upon 6 − R, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, −1 और इसका फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, 4 upon 6 − R का फैक्टोरियल क्या होगा? 6 − R लिखेंगे, फिर इसमें से एक कम करेंगे, 6 − R − 1, यानी 6 − R − 1 करेंगे और इसका फैक्टोरियल। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या है, 6 − R − 1 है और इसका फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो 4 upon 6 − R इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 − R इज इक्वल टू 4, तो 6 उस साइड में चला जाएगा, −R इज इक्वल टू 4 − 6, तो −R इज इक्वल टू −2, तो R की वैल्यू कितना है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 2। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट क्या है, 10 PR 2 × 9 PR। तो 10 PR मीन्स स्टूडेंट्स 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 − R का फैक्टोरियल, और 2 × 9 PR मीन्स 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 − R का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट 10 का फैक्टोरियल खोलेंगे हम, 10 × 9 का फैक्टोरियल हम कह सकते हैं, और 10 − R को 10 − R, फिर इसमें से एक कम करेंगे 10 − R में से, तो वो 9 − R आ जाएगा और इसका फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 × 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 − R का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल स्टूडेंट्स, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 10 upon 10 − R इज इक्वल टू 2 upon 1, तो 2 × 5 = 10। तो यहाँ पे 5 upon 10 − R किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 1 के, तो ये 10 − R आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 5, तो −R इज इक्वल टू 5 प्लस का 10 उस साइड आके माइनस का 10, तो −R इज इक्वल टू −5, माइनस से माइनस कैंसिल, R इज इक्वल टू 5। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ का थर्ड पार्ट हमें गिवन है, 11 PR इज इक्वल टू 12 PR − 1। तो हमें R की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, 11 PR मीन्स 11 का फैक्टोरियल अपॉन 11 − R का फैक्टोरियल, और 12 PR − 1 मीन्स 12 का फैक्टोरियल अपॉन 12 में से हम माइनस करेंगे इसको R − 1 का, और इस सारे का क्या है, फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स ये आएगा 11 का फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ पे 11 − R का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 12 × 11 का फैक्टोरियल आ गया, और यहाँ पे 12 − R माइनस माइनस प्लस का 1 और इसका फैक्टोरियल, यानी स्टूडेंट्स 11 × 11 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 upon 11 − R का फैक्टोरियल। अब 12 upon 12 × 13 − R का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स हमें पता है, हम जब फैक्टोरियल को खोलते तो माइनस करते हैं, तो यानी अब इसमें से माइनस करें तो छोटा होगा, जब इसमें से माइनस करेंगे तो इसका जो फैक्टोरियल हम यहाँ तक खोल सकते हैं, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, 1 upon 11 − R का
फैक्टोरियल इज इक्वल 12 अपॉन, अब 13 माइनस आर के फैक्टोरियल को खोलते हैं, 13 माइनस आर, फिर इसमें से एक कम करेंगे तो 12 माइनस आर, फिर इसमें से एक कम करेंगे तो फिर 11 माइनस आर का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये आया 13 माइनस आर, 12 माइनस आर को ऊपर मल्टीप्लाई, 13 माइनस आर इंटू 12 माइनस आर इज इक्वल टू 12। अब मल्टीप्लाई करो, 12 तीन 36, 12 कम 12 और 3 15, 156, और 12 आर यहाँ पे, और माइनस आर को माइनस का 13 आर, और माइनस माइनस प्लस का आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 12। तो ये आया स्टूडेंट्स आर स्क्वेयर माइनस के 12 माइनस के 13 माइनस के 25 आर, और प्लस का 156, और ये 12 इस साइड आके माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आर स्क्वेयर माइनस 25 आर और प्लस का 144 इक्वल टू 0। तो 144 के ऐसे फैक्टर जिसका 25 आए, तो 16 और 9 69 जा 16 आर माइनस का 9 आर प्लस 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर कॉमन अंदर आर माइनस 16 माइनस 9 कॉमन अंदर आर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर माइनस 16 कॉमन अंदर बच गया आर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आर माइनस 16 इक्वल टू 0 और आर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आर इज इक्वल टू 16 आया स्टूडेंट्स और आर इज इक्वल टू 9। तो आर इज इक्वल टू 16 नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है स्टूडेंट्स पॉसिबल, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ये जो अगर आर की वैल्यू 16 रखी तो 11P16 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो इसके इक्वल हो सकती है या इससे कम होगी, यानी एन पी आर जो एन से बड़ा नहीं हो सकता आर, एन यहाँ पे 11 है तो अगर आर 16 हो जाए तो एन से बड़ा नहीं हो सकता आर। ये मैंने आपको जो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट बताया था 7.3 में, तो उसमें मैंने बताया था एन कैन नॉट बी लेस ग्रेटर देन, एन कैन नॉट बी लेस देन आर, यानी एन आर से छोटा नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पे भी आर की वैल्यू 16 नहीं हो सकती, अगर 16 रखें 16 माइनस 1 15, तो यहाँ पे भी आर जो है एन से बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आर की वैल्यू कितनी है 9। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन का 5 × 4 PR इज इक्वल टू 6 × 5 PR-1। अब देखिए स्टूडेंट्स 5 × 4 PR मीन्स 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, और 6 एज इट इज 5 PR-1 मीन्स 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस ये आर माइनस 1 करेंगे और इसका फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 × 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 6 × 5 का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 5 × 4 का फैक्टोरियल कह सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 5 जब इसको 5 माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 5 + 1 माइनस आर है ना माइनस आर और इसका फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट इससे ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये बच गया स्टूडेंट्स 1 / 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये 6 / 5 + 1 6 माइनस आर का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा स्टूडेंट, 6 माइनस आर, फिर इसमें से एक कम करेंगे फिर 5 माइनस आर, फिर उसमें से भी एक कम करेंगे फिर 4 माइनस आर आ जाएगा और उसका फैक्टोरियल कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसिल। अब इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 - r × 5 - r इज इक्वल टू 6, तो 6 × 5 = 30 मल्टीप्लाई करते हैं −5r − 6r + r² इज इक्वल टू 6। तो ये आर स्क्वेयर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स आर स्क्वेयर माइनस की 11r प्लस का 30 माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर स्क्वेयर माइनस का 11r प्लस का 24 इक्वल टू 0, तो यहाँ से फैक्टर करेंगे आर स्क्वेयर माइनस का 8r माइनस का 3r, 8 × 3 = 24 और 8 × 3 = 11 प्लस 24 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक थी इसके फैक्टर बना लिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे
आर कॉमन आ गया आर माइनस एट, माइनस थ्री कॉमन अंदर आर माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो आर माइनस एट कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, तो अंदर बच गया आर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर माइनस एट इक्वल टू जीरो है या आर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू एट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि आर कभी एन से बड़ा नहीं हो सकता। अगर यहाँ आर की वैल्यू एट रखेंगे तो वो फोर से बड़ा हो जाएगा, यानी एन कितना है फोर है या आर कितना है एट, तो आर कभी एन से बड़ा नहीं हो सकता। तो आर की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, थ्री। तो नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका फिफ्थ पार्ट, फोर्थ का जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, टेन पी आर इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी। तो टेन पी आर मीन्स टेन का फैक्टोरियल अपॉन टेन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन का फैक्टोरियल अपॉन टेन माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज, और ये सेवन ट्वेंटी। तो स्टूडेंट्स तो ये देखिए यहाँ पे सेवन ट्वेंटी पे कैंसिल हो गए, जीरो से जीरो कैंसिल, नाइन एट जा एट से एट कैंसिल, तो सेवन का फैक्टोरियल बच गया ऊपर और इज इक्वल टू टेन माइनस आर ऊपर चला जाएगा टेन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल से कंपेयर करेंगे, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, तो सेवन इज इक्वल टू कैंसिल नहीं करके दिखाना, कंपेयर करते हैं हम, तो सेवन इज इक्वल टू टेन माइनस आर, तो माइनस आर इस साइड में आ गया और सेवन उस साइड में, तो आर इज इक्वल टू टेन माइनस सेवन, तो आर आ गया हमारे पास थ्री। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, नाइन पी फाइव प्लस फाइव इंटू नाइन पी फोर इज इक्वल टू टेन पी आर, तो हमें आर निकालना है, फाइंड आर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये टेन पी नाइन पी फाइव मीन्स नाइन का फैक्टोरियल अपॉन नाइन माइनस फाइव का फैक्टोरियल, और ये फाइव इंटू नाइन पी फोर मीन्स नाइन का फैक्टोरियल अपॉन नाइन माइनस फोर का फैक्टोरियल, और टेन पी आर मीन्स टेन का फैक्टोरियल अपॉन टेन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए नाइन का फैक्टोरियल अपॉन नाइन माइनस फाइव क्या आएगा स्टूडेंट्स, फोर का फैक्टोरियल, और यहाँ पे फाइव इंटू नाइन का फैक्टोरियल अपॉन नाइन माइनस फोर क्या आएगा स्टूडेंट्स, फाइव का फैक्टोरियल इज इक्वल टू टेन का फैक्टोरियल अपॉन टेन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब नाइन का फैक्टोरियल दोनों से कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ बच गया वन बाय फोर का फैक्टोरियल प्लस फाइव अपॉन फाइव के फैक्टोरियल को फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू टेन का फैक्टोरियल अपॉन नाइन का फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया अपॉन टेन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ फाइव से फाइव कैंसिल, तो यहाँ से नाइन का फैक्टोरियल अपॉन फोर का फैक्टोरियल एलसीएम आ गया हमारे पास, तो ये वन प्लस वन, और यहाँ पे टेन का फैक्टोरियल टेन इंटू नाइन का फैक्टोरियल आ गया अपॉन टेन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट नाइन फैक्टोरियल से नाइन फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास टू अपॉन फोर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू टेन अपॉन टेन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब टू फाइव या टेन, तो ये आया स्टूडेंट्स हम इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन फोर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फाइव अपॉन टेन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे हम इम्प्लाइज का साइन लगाते रहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर का टेन माइनस आर का फैक्टोरियल ऊपर आ गया हमारे पास, और फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल, तो फाइव इंटू फोर के फैक्टोरियल को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, टेन माइनस आर का फैक्टोरियल, और फाइव इंटू फोर के फैक्टोरियल को फाइव का फैक्टोरियल बोल सकते हैं, क्योंकि फाइव का फैक्टोरियल ऐसे ही खुलेगा फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टेन माइनस आर आया फाइव के इक्वल, तो माइनस आर इज इक्वल टू फाइव माइनस टेन,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास r इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो r इज इक्वल टू कितना आया, फाइव। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड r इफ टेन पी आर प्लस वन रेशो इलेवन पी आर इज इक्वल टू थर्टी अपॉन इलेवन, थर्टी रेशो इलेवन। तो टेन पी आर प्लस वन मीन्स टेन का फैक्टोरियल अपॉन टेन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, रेशो इलेवन पी आर मीन्स इलेवन का फैक्टोरियल अपॉन इलेवन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू थर्टी रेशो इलेवन। तो स्टूडेंट्स टेन का फैक्टोरियल अपॉन टेन माइनस आर, ये माइनस के साथ खोले, माइनस वन का फैक्टोरियल, और स्टूडेंट रेशो मीन्स डिवाइड में कर लेंगे हम लोग, ये इलेवन का फैक्टोरियल अपॉन इलेवन माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये थर्टी अपॉन इलेवन। अब फर्स्ट बाय सेकंड थर्ड बाय फोर्थ, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आएगी टेन फर्स्ट बाय सेकंड एज इट इज, टेन माइनस वन नाइन माइनस आर आ जाएगा इसका फैक्टोरियल, और फोर्थ ऊपर चली जाएगी थर्ड बाय फोर्थ, फोर्थ ऊपर इलेवन माइनस आर का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इलेवन का फैक्टोरियल नीचे इज इक्वल टू थर्टी अपॉन इलेवन। अब स्टूडेंट्स ये देखिए आप लोग, टेन का फैक्टोरियल एज इट इज, नाइन माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज, और यहाँ पे इलेवन मल्टीप्लाई में इलेवन माइनस आर का इलेवन माइनस आर करेंगे, फिर इसमें से एक कम करें टेन माइनस आर, फिर इसमें से भी एक कम करें नाइन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको मैंने क्यों ओपन किया, क्योंकि ये वाला यहाँ तक खुल सकता है, और इलेवन का फैक्टोरियल इलेवन इंटू टेन का फैक्टोरियल, ये टेन फैक्टोरियल से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इज इक्वल टू थर्टी अपॉन इलेवन आ गया। तो यानी हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, ग्यारह दिया एक सौ दस, और दस आर, और ये माइनस का ग्यारह आर, और माइनस माइनस प्लस का आर स्क्वेयर, और ये ग्यारह से ये ग्यारह कैंसिल इज इक्वल टू थर्टी। तो ये आया स्टूडेंट्स आर स्क्वेयर माइनस के ग्यारह माइनस के इक्कीस आर, और प्लस का वन टेन माइनस का थर्टी इक्वल टू जीरो। तो ये आया स्टूडेंट आर स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी वन आर और प्लस एटी इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया आर स्क्वेयर माइनस का ट्वेंटी वन आर प्लस एटी इज इक्वल टू जीरो, यही आया स्टूडेंट्स। और इसके फैक्टर करते हैं सिक्सटीन फाइव जा, अस्सी के ऐसे फैक्टर जिसका ट्वेंटी वन आए, तो सिक्सटीन फाइव जा सिक्सटीन आर माइनस का फाइव आर प्लस का एटी इक्वल टू जीरो। तो आर कॉमन स्टूडेंट्स, आर माइनस सिक्सटीन माइनस फाइव कॉमन अंदर, आर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर माइनस सिक्सटीन कॉमन आ गया, अंदर आर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो आर की वैल्यू आई स्टूडेंट्स सिक्सटीन, और आर इज इक्वल टू फाइव। तो आर की वैल्यू सिक्सटीन तो हो नहीं सकती स्टूडेंट्स, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन, आर की वैल्यू सिक्सटीन रखूँगा तो सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन हो जाएगा, तो एन से बड़ा आर हो जाएगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और आर की वैल्यू कितनी आई, फाइव। अब स्टूडेंट्स इसका सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ 56 पी आर प्लस सिक्स रेशो 54 पी आर प्लस थ्री इज इक्वल टू 30800 रेशो वन, तो फाइंड आर, हमें आर निकालना है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम प्रोसीजर करेंगे, तो 56 पी आर मीन्स 56 का फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस आर प्लस सिक्स का फैक्टोरियल, और यहाँ पे रेशो है स्टूडेंट्स 54 का फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस आर प्लस थ्री का फैक्टोरियल, और ये 30800 रेशो वन। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 56 का फैक्टोरियल,
56 माइनस आर, ये बनेगा 56 माइनस आर माइनस 6 का फैक्टोरियल, और रेशो है तो रेशो को डिवाइड में लिखेंगे 54 का फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस आर माइनस 3 आ जाएगा, आर माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800 अपॉन 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, ये 56 का फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन 56 माइनस 6 50 माइनस आर का फैक्टोरियल, और फोर्थ ऊपर चली जाएगी 54 माइनस 3 51, ये ऊपर चला जाएगा 51 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन 54 का फैक्टोरियल, और ये आया स्टूडेंट्स 30800 अपॉन 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, अब ये 56 का फैक्टोरियल खोलते हैं, 56 इंटू 55 इंटू 54 का फैक्टोरियल अपॉन ये 50 माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज, और 51 माइनस आर का फैक्टोरियल खोलते हैं, 51 माइनस आर इंटू, फिर इसमें से एक कम करो 50 माइनस आर, और इसका फैक्टोरियल अपॉन 54 का फैक्टोरियल, और ये है 30800 अपॉन 1। तो स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ये आया 56 इंटू 55 इज इक्वल मल्टीप्लाई 51 माइनस आर इज इक्वल टू 30800। तो 51 माइनस आर इज इक्वल टू 30800, ये 56 मल्टीप्लाई है डिवाइड में, और 55 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 पे कैंसिल करते हैं हम, 5 11 जा तो ये कर जाए, 5 6 जा, 5 1 जा तो 3 5 6 जा, तो फिर ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 11 5 जा 55, और ये 6 बच गया 11 6 जा, और 56 1 जा यानी 10, तो ये हमारे पास आया माइनस आर इज इक्वल टू 10, ये प्लस का 51 इस साइड आके माइनस का 51, तो माइनस आर इज इक्वल टू माइनस का 41, तो आर आया माइनस से माइनस कैंसिल, तो आर आया 41। अब स्टूडेंट्स इसका एट्थ पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है, फाइंड एन, उसने कहा है एन निकालिए इफ 2n माइनस 1 पी एन रेशो 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22 अपॉन रेशो 7। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहेंगे, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 में से n माइनस करेंगे, n का फैक्टोरियल, रेशो है तो डिवाइड में लिखेंगे, 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस 1 में से हम इसको माइनस करेंगे सारे को, जब n को माइनस करें तो माइनस का n, और माइनस 1 को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22 अपॉन 7। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n, n बच जाएगा 2n में से n माइनस करें, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, अब फोर्थ ऊपर चली जाएगी स्टूडेंट, फोर्थ क्या है 2n माइनस n, n बन जाएगा और 1 और 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल, और नीचे 2n प्लस 1 का थर्ड नीचे आ जाएगी 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22 अपॉन 7। अब स्टूडेंट्स 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल एज इट इज रखा, क्योंकि इसका फैक्टोरियल यहाँ तक हम खोल सकते हैं, और यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी एज इट इज, अब देखिए n प्लस 2 को खोलते हैं, n प्लस 2 लिखे गए, फिर इसमें से एक कम करेंगे n प्लस 1, फिर इसमें से एक कम करेंगे फिर n आएगा, फिर n में से एक कम करेंगे फिर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे 2n प्लस 1 का 2n का प्लस 1 का फैक्टोरियल को खोलेंगे 2n प्लस 1, फिर 2n आ जाएगा, फिर 2n में से एक कम करेंगे माइनस 1 का फैक्टोरियल, सबसे एक एक कम करते जाएंगे, अब हमें ये 2n माइनस 1 मिल गया इससे एक कैंसिल, n माइनस 1 मिल गया इससे एक कैंसिल,
ट्वेंटी टू अपॉन सेवन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ऊपर बच गया और कुछ भी नहीं कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, एन की एन से मल्टीप्लाई एन स्क्वेयर, एन की यहाँ टू एन, फिर वन की करो एन, फिर वन टू जा टू, और डिवाइडेड टू की यहाँ करो फोर एन प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब बचा हमारे पास एन स्क्वेयर प्लस थ्री एन प्लस टू अपॉन फोर एन प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये आएगा सेवन एन स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी वन एन प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू बाई चौक अट्ठासी एन और बाई दुनी चवालीस। तो स्टूडेंट्स इस साइड में लेके आएंगे तो सेवन एन स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी वन एन प्लस फोर्टीन माइनस का एटी एट एन माइनस का फोर्टी फोर इक्वल टू जीरो। तो ये आया सेवन एन स्क्वेयर ट्वेंटी वन एन माइनस एटी एट एन, तो आएगा स्टूडेंट्स माइनस के हमारे पास आठ माइनस एक सात और आठ माइनस दो छः सिक्सटी सेवन एन प्लस के फोर्टीन माइनस के फोर्टी फोर, तो आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का थर्टी इज इक्वल टू जीरो। तीन सत्तर इक्कीस, इक्कीस दो सौ दस के ऐसे फैक्टर जिसका सिक्सटी सेवन आए स्टूडेंट्स, दो सौ दस के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं जिसका सिक्सटी सेवन आए प्लस या माइनस है, तो सिक्सटी यानी सत्तर ती है सेवेंटी थ्री, सेवेंटी थ्री जा यानी दो सौ दस सत्तर माइनस तीन हमारे सिक्सटी सेवन आ जाएगा। तो सेवन एन स्क्वेयर माइनस का सेवेंटी एन प्लस का थ्री एन माइनस थर्टी इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट सेवन एन कॉमन अंदर एन माइनस टेन, तो एन माइनस टेन इक्वल कॉमन आया स्टूडेंट्स यहाँ से, तो सेवन एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो है एन माइनस टेन जीरो है और या सेवन एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से सेवन एन इज इक्वल टू माइनस थ्री और एन इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय सेवन, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स टेन। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।